हेलो गाइस, वेलकम टू पिजर ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। इस चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके ऑल के ऊपर टिक करके रखें ताकि आपको इस चैनल के ऊपर शेयर मार्केट से जुड़ी इंफॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी बताने वाला हूँ। इस कंपनी का बिजनेस की मैं बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग इस कंपनी का जो बिजनेस है वो देखने को मिल रहा है। और अगर आप एक ऐसी कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टमेंट करोगे तो जो आपका पैसा है वो डेफिनेटली बनता हुआ देखने को मिलेगा। क्योंकि कंपनी का बिजनेस की मैं बात करूँ तो एक स्ट्रॉन्ग कंपनी का जो बिजनेस है वो देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस जो बैलेंस शीट है वो देखने को मिल रही है। कर्ज मुक्त कंपनी देखने को मिल रही है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न की मैं बात करूँ वो बहुत ही अच्छे देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी के ऊपर रिजर्व की तो लगभग इस कंपनी के रिजर्व लगभग 1900 करोड़ रुपये का देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोविंग की तो वो एक जीरो देखने को मिल रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोविंग की मैं बात करूँ तो वो लगभग जीरो देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी की मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म कोई शॉर्ट टर्म कोई इस कंपनी के ऊपर कोई बोरोविंग नहीं है, कोई कर्ज नहीं है, कर्ज मुक्त कंपनी देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी के ऊपर कैश की तो लगभग इस कंपनी के पास कैश लगभग 500 करोड़ रुपये का देखने को मिल रहा है। अगर आपके पास एक ऐसी कंपनी रहेगी तो आपके पास कोई मतलब आपको कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंपनी रहेगी तो वो आराम से एक कैसी भी सिचुएशन आ जाए उसको आराम से हैंडल कर पाएगी। एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ 2020 का। 2020 के अंदर बहुत ही सारी ऐसी कंपनी है वो अभी बंद करनी पड़ रही है, क्योंकि कंपनी के पास कंपनी चलाने के लिए कंपनी के पास फंड चाहिए और कंपनी के पास फंड नहीं होता है तो कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। बहुत ही सारी ऐसी कंपनी है वो बंद अभी हो चुकी है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग कंपनी रहेगी तो वो एक ऐसे सिचुएशन को आराम से हैंडल कर पाएगी। एक कंपनी की बात कर रहा हूँ तो 27 साल से मार्केट के अंदर काम कर रही है। मैं जो डेटा है वो विकिपीडिया के ऊपर से लिया हुआ है। और शेयर मार्केट के अंदर इस कंपनी लिस्टेड की मैं बात करूँ तो शेयर मार्केट के हिसाब से लगभग इस कंपनी को 12 साल हो चुका है। और ऐसी कंपनी रहेगी मतलब इस कंपनी ने 2008 का टाइम है वो भी देखा हुआ है। 2008 के अंदर मैं बात करूँ तो लगभग मार्केट के अंदर 60% तक जो करेक्शन है वो देखने को मिल रहा था। 2020 की मैं बात करूँ कोविड के टाइम के अंदर तो आप लोग को भी पता होगा मार्केट के अंदर 40% तक जो करेक्शन है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन इस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ तो इस कंपनी का जो स्टॉक है वो अभी भी बहुत ही अच्छा जो रिटर्न है वो इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। और आगे जाके भी इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा चलेगा और रिटर्न है वो भी हमें बहुत ही इस कंपनी वो अच्छा कमा के देगी। आगे मैं बात करूँ तो इस कंपनी का मार्केट कैप की लगभग 37,000 करोड़ का इस कंपनी के पास मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी का सेल्स की तो 2011 के अंदर इस कंपनी का जो सेल्स है वो 600 करोड़ का देखने को मिल रहा था। 2012 के अंदर 1,000 करोड़ का हुआ। 2013 के अंदर 1,400 करोड़ का हुआ। 2014 के अंदर 1,700 करोड़ का हुआ। फिर आगे मैं बात करूँ तो 2000 हुआ, फिर 2400 करोड़ हुआ, फिर 2500 करोड़ हुआ, फिर 3,000 करोड़ हुआ। फिर आगे मैं बात करूँ तो 3,500 करोड़ हुआ, फिर 3,900 करोड़ हुआ, फिर 3,300 करोड़ हुआ, फिर 4,500 करोड़ का हुआ। तो आपने देखा 2011 के अंदर इस कंपनी का जो सेल्स था वो कितना था, 600 करोड़। और 2022 के अंदर कितना हुआ, 4,500 करोड़ का। तो कंपनी के अंदर एक ग्रोथ तो है और आगे जाके भी ऐसे ही ग्रोथ देखने को मिलने वाली है, क्योंकि कंपनी का बिजनेस ही एक ऐसा है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी की नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट के मैं बात करूँ 2011 के अंदर इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 72 करोड़ का था। फिर 103 हुआ, फिर 131 करोड़ हुआ, फिर 118 करोड़ का हुआ। आगे मैं बात करूँ फिर 111 करोड़ हुआ, फिर 97 करोड़ हुआ, फिर 58 करोड़ हुआ, फिर 196 करोड़ देखने को मिल रहा है। फिर आगे मैं बात करूँ 2019 के अंदर 320, फिर 280, फिर 232, फिर 420। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है और कंपनी का सेल्स के अंदर भी एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। और आगे मैं बात करूँ इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो लगभग प्रमोटर के पास 41% की जो होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। FIs के बाद मैं बात करूँ तो लगभग 31% की देखने को मिल रही है होल्डिंग। DS के पास मैं बात करूँ तो लगभग 15% की जो होल्डिंग देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट के पास मैं बात करूँ तो लगभग 0.13% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। पब्लिक के पास लगभग मैं बात करूँ तो 10% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और अदर के पास मैं देखूँ तो लगभग 0.25% की जो होल्डिंग है वो देखने को मिल रही है। तो बहुत ही अच्छी इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो बहुत ही अच्छे देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी के रिटर्न की तो ऑल टाइम के अंदर इस कंपनी के रिटर्न की मैं बात करूँ तो 2300% के जो रिटर्न है वो देखने को मिल रही है इतनी गिरावट होने के बावजूद भी।
अभी की मैं बात करूँ मार्केट के अंदर बहुत ही सारा जो अभी कितना करेक्शन चल रहा है मार्केट के अंदर, और बहुत ही सारी ऐसी कंपनी है वो 50% तक जो करेक्शन है वो देखने को मिल रही है, आती आती ऐसी बहुत ही सारी कंपनी है। आगे मैं बात करूँ तो 5 साल के अंदर इस कंपनी के अंदर लगभग 400 करोड़ का जो रिटर्न है वो देखने को मिल रहा है, इतनी गिरावट होने के बावजूद भी। अभी की मैं बात करूँ जो मार्केट के अंदर बहुत ही सारा जो करेक्शन देखने को मिल रहा है, और स्ट्रॉन्ग कंपनी है उनमें भी हमें बहुत ही अच्छी करेक्शन के ऊपर जो अच्छे अच्छे कंपनी के जो स्टॉक है वो अच्छे करेक्शन के ऊपर देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी ने 1 साल के अंदर लगभग 7% की जैसी गिरावट देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ इस कंपनी का जो स्टॉक कौन सा है, तो मैं जुबलिन फूड की मैं बात करूँ, और अगर आपको लग रहा है कि इस कंपनी का बिजनेस है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा आगे आने वाले टाइम के अंदर, तो आप चाहे तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस कंपनी का जो बिजनेस है वो आगे जाकर नहीं चलेगा, तो ठीक है आप इस कंपनी को इग्नोर भी कर सकते हो।